Hello students, in integration today is our lecture number 7। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे बेटा कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, स्पेशल फॉर्मूले हैं आपके पास 7 इंटीग्रेशन की। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा वन बाय वन। जैसे फॉर फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास आता है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है बेटा। इसका इंटीग्रेशन का आपको बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला देखना है, 1 अपॉन 2 ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइड बाय एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है बेटा। ये डायरेक्ट फॉर्मूले इंटीग्रेशन के, हम स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूले बोलते हैं। ये हर बच्चे को टिप्स पर, जितने अच्छे तरीके से आप फॉर्मूले लर्न करेंगे आपके लिए बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व करना उतना ही आसान रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये तो आपके पास बेटा पर्टिकुलर फॉर्मूला, अब मैं इसको जनरलाइज करता हूँ कि इसकी जनरल फॉर्म क्या बनेगी या जनरलाइजेशन कैसे होगा। अगर हम इसको जनरलाइज करेंगे ना तो क्या होता है बेटा, मैंने आपको समझा रखा है जनरलाइज में एक ही बात है कि जहाँ आपका एक्स है वहाँ पर क्या आएगा, कोई फंक्शन जैसे एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और साथ में क्या है डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन यही होगा जो उसका होता है बेटा 1/2 a लॉग ऑफ, जहाँ एक्स है वहाँ पर एफ ऑफ एक्स आ जाएगा माइनस ए अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस सी। लेकिन याद रहे जब एक्स बेटा एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस होता है तो हम उसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी करते हैं, तो डिवीजन में एफ डैश एक्स भी आएगा। और कंडीशन वही है कि जो एफ डैश एक्स है ये आपका क्या हो, फ्री फ्रॉम एक्स हो। दिस इज द मेन कंडीशन बेटा, यू हैव टू कीप इन माइंड, जो आपका एफ डैश एक्स है ये फ्री फ्रॉम एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेटा एक फॉर्मूला है। इसी प्रकार सेकंड फॉर्मूला आपके पास बनता है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका भी ऐसा ही फॉर्मेट है 1/2 a लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। बेटा फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो अपर टर्म में एक्स माइनस ए लोअर टर्म में एक्स प्लस ए, और अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ऊपर ए प्लस एक्स और नीचे होता है बेटा ए माइनस एक्स। सिमिलरली आप इसमें भी एक्स को बेटा एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस करके इसकी जनरल फॉर्म बनाएंगे। थर्ड फॉर्मूला आपके पास आता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस विल बी इक्वल टू 1/a टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में क्या हो जाएगा सी, ठीक है। और यहाँ भी आप जनरलाइजेशन में क्या करेंगे, एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे बेटा एफ ऑफ एक्स से, और उसके बाद टेंजेंट इनवर्स एफ ऑफ एक्स अपॉन ए आ जाएगा और ए के मल्टीप्लाई में क्या आएगा एफ डैश एक्स आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसमें आपके पास आए मान लो 1/4 + 9x² dx, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए बेटा आप इसको यूँ लिख सकते हैं, 1/4 में 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 9x का को लिख सकते हैं बेटा 3x का होल स्क्वायर और साथ में क्या है dx। तो ये फॉर्म इससे मैच करती है 1/a, a का काम कौन कर रहा है बेटा 2, 1/2 टेंजेंट इनवर्स एफ ऑफ एक्स आपके पास कितना हो गया 3x डिवाइड बाई 2, और एफ ऑफ एक्स का यानी कि 3x का डेरिवेटिव कितना है 3, तो 3 से आप डिवाइड कर दोगे ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस में सी। इन दिस वे यू कैन डू सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास फोर्थ फॉर्मूला। अब जो आपके पास फॉर्मूला नंबर 4 है वो है 1/√a² - x², ठीक है डी एक्स, और फॉर्मूला नंबर 5 जो आपके पास है वो बेटा 1/√x² - a², और फॉर्मूला नंबर 6 आपके पास 1/√x² + a² विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए बेटा फॉर्मूला नंबर 4, 5 और 6 आपके फॉर्मूला नंबर 1, 2, 3 की तरह है, बस ये रूट में बंद है वो रूट में बंद नहीं है। तो इसका आंसर होता है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, इसका होता है बेटा लॉग ऑफ एक्स प्लस √x² - a² एज इट इज, और इसका भी यही होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस √x² + a² + c, ठीक है। लाइकवाइज लास्ट एंड फाइनल आपका आज का फॉर्मूला 1/x√x² - a²
dx, इसका आपके पास होता है बेटा 1/a secant inverse x अपॉन a प्लस c। बेटा यहाँ पर दो बात आपको ध्यान में रखनी है, देखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि एक तो आपने इन सेवन के सेवन फॉर्मूलाज का बेटा डेरिवेशन करना है, जो कि NCERT की बुक में भी है, एलिमेंट्स की बुक में भी है और आर.डी. शर्मा की बुक में भी है, हर मैथ की बुक में आपको इन फॉर्मूला का प्रूफ दिया मिलेगा। और वो प्रूफ कुछ नहीं है, वो आपका सब्सटीट्यूशन है जो डिटेल में हम कर चुके हैं बेटा। तो सब्सटीट्यूशन मेथड से आप इन सेवन के सेवन फॉर्मूला को बेटा प्रूफ करेंगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप हर फॉर्मूले का क्या करेंगे बेटा, जनरलाइजेशन करेंगे, क्योंकि विदाउट जनरलाइजेशन काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें होती हैं, तो आपको जनरलाइज करना है। जैसे एक एग्जांपल और मैं आपको सिखा देता हूँ, 16x² - 35। मान लीजिए आपको ये इंटीग्रेट करना है, तो अगले स्टेप में आप इसे देखेंगे बेटा dx/16x² को आप लिख सकते हैं 4x² माइनस में 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब ये बेटा मैच करता है आपके फर्स्ट आइडेंटिटी से x² - a², तो एज पर रूल ये रहेगा कितना, देखिए 1/2 a, a आपका 5 है तो 1/2 a 10 हो जाएगा, और log of, अब x की जगह पर फंक्शन आ चुका है तो 4x - 5/4x + 5+c। लेकिन याद रहे जब x की जगह पर कोई भी अदर फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव लेते हैं, 4x का आएगा 4 और उससे हम डिवाइड करेंगे बेटा 10 × 4 क्या बन जाएगा 40। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अभी जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको बेटा पेन कॉपी की भी जरूरत नहीं रहेगी, आप बिना पेन कॉपी के भी एक जस्ट एक रूप में देखते ये बता सकते हो कि इसका इंटीग्रल तो बेटा ये बनेगा, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपकी बहुत हेल्प करेंगे।